अगर नाश्ते में हर दिन अलग अलग बनाने के शौकीन है तो एक बार इसे जरूर ट्राई करें। सबसे पहले जीरा घोल के और लाल मिर्च को भूनकर इसे पीस कर रख लेंगे। अब मूंगफली को भी थोड़ी सी तेल डालकर भून लेंगे जब तक ये थोड़ी सी कुरकुरी नहीं हो जाती, और इसे हम साइड में रख देंगे। अब तैयार करते हैं हम आलू का मसाला। कढ़ाई में पहले तेल को गर्म होने देंगे, उसके बाद उसमें हम आधी छोटी चम्मच राई डाल देंगे और उसके ऊपर हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच किसी भी अदरक और 2 से 4 हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1 प्याज बारीक कटी हुई, और इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे और उसके बाद इसमें हम हल्दी ऐड कर देंगे और फिर इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। अब इसमें नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और जो हमने मसाला पाउडर तैयार किया था उसे ऊपर से छिड़क देंगे, और इसमें थोड़ी सी ब्लैक सॉल्ट भी ऐड कर देंगे, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ऊपर से थोड़ी धनिया पत्ती छिड़क देंगे, और वो जो बादाम हमने फ्राई करके रखे थे उसे भी डालकर मिला देंगे। देख सकते हैं मसाला बनकर तैयार है। अब बेसन का घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक बाउल में हम बेसन ले लेंगे और उसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर से थोड़ा सा ज़्यादा खाने वाला सोडा, थोड़ी सी हींग के पाउडर, और उसके बाद इसमें हम कच्चे सरसों का तेल ऐड कर देंगे, और उसके बाद इसमें पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेंगे। घोल बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, ऐसे रखनी है कि उसकी एक लेयर सी बने, क्योंकि हम जब ब्रेड को उसमें डिप करेंगे तो उसमें हल्की सी एक लेयर बननी चाहिए, इतनी गाढ़ी हमें इसे रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली करनी है। देख सकते हैं इस तरीके से घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके बाद पाव को हम बीच से कट कर लेंगे, और इसमें हमने जो आलू का मसाला बनाकर तैयार किया था उसे डालकर अच्छे तरीके से फैला लेंगे। आलू का मसाला थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, और उसके बाद इसे ऊपर से ढक देंगे, इस तरीके से दबा देंगे अच्छे तरीके से, और उसके बाद इसे हम बेसन वाले घोल में डिप करेंगे। अच्छे तरीके से बेसन के घोल की इस पर कोटिंग हो जाए, चारों तरफ से घुमाकर इसके ऊपर में कोटिंग कर लेंगे, और उसके बाद इसे हम तेल में डालकर तल लेंगे। तेल प्रॉपर गर्म होनी चाहिए, ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा ओवरहीट नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए। ज़्यादा गर्म होगी तो ये जल जाएगी, और तेल ज़्यादा ठंडी होगी तो ये बहुत ज़्यादा तेल ऑब्जर्व करेगी, इसीलिए तेल के टेम्परेचर जरूर ध्यान में रखें। जब तेल थोड़ा अच्छे तरीके से गर्म हो जाए उसके बाद आंच को कम करेंगे, और उसके बाद इसे हम उसमें डालेंगे अच्छे तरीके से, चारों तरफ से जब ये सिक जाए तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। एक टिश्यू पेपर के ऊपर में रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो इसमें ऑब्जर्व हो जाए टिश्यू पेपर में। अब इसे हम बीच से कट कर लेंगे। देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है देखने में, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनी है। अब इसे हम धनिया पत्ती की चटनी और सॉस के साथ में सर्व करेंगे। आपकी जो भी चटनी फेवरेट हो उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है। एक अच्छा सा नाश्ता बनकर तैयार है। इसे आप सुबह के नाश्ते में, शाम के नाश्ते में या टी पार्टी में इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और बहुत कम टाइम में बनकर तैयार होती है। चलिए आप इसे बनाइए, तब तक मैं मिलती हूँ आपसे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।